दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में जो जो भविष्यवाणियां करी थी, जो जो बातें कही थी, वो धीरे धीरे पूरी होती आ रही हैं। मेरे प्रियो, अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो ये बात आप जरूर जानते होंगे कि प्रभु यीशु ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन सही साबित होते आ रहे हैं और आगे भी होंगे। दोस्तों, हमारे भारत में इन दिनों एक ऐसी घटनाओं की शुरुआत हो गई है जो कहीं न कहीं प्रभु यीशु के द्वारा कही गई अंत के दिनों की उन घटनाओं की ओर सूचित करता है। दरअसल घटना यह है कि मणिपुर में दो संप्रदाय यानी कि दो जातियों के बीच ऐसी भयानक जंग छिड़ गई है कि लोग दंगे फसाद पर उतर आए हैं। कई गाड़ियां और कुछ घरों को भी जला दिया गया है। ये घटना इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वहाँ पर मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से दंगेकारियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थितियों में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं हिंसा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हिंसा के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं और कईयों की मौत भी हुई है। दोस्तों, मणिपुर की ये घटना कितना ज्यादा हिंसक हो चुकी है आपको इस वीडियो के द्वारा अंदाजा लग ही गया होगा। इस घटना को लेकर इंडियन वुमेन बॉक्सर मेरी कॉम ने एक ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए मणिपुर में आगजनी की फोटो शेयर की है। दोस्तों, मणिपुर के इन दोनों संप्रदायों के बीच झगड़े का असल कारण क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और इसकी वजह है मैतेई समुदाय की अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग। मैतेई समुदाय गैर आदिवासी समुदाय है जबकि नागा और कुकी दोनों ही आदिवासी समुदाय है। मैतेई समुदाय मणिपुर के घाटी इलाकों में बसता है। इनकी कुल आबादी करीब 53% है और नागा और कुकी को राज्य में एसटी का दर्जा मिला हुआ है और ये दोनों समुदाय मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मणिपुर के दो संप्रदाय, पहला नागा और कुकी जो आदिवासी वर्ग में गिने जाते हैं, लेकिन मैतेई गैर आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें भी अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी श्रेणी में शामिल करने की मांग की जा रही है। लेकिन नागा और कुकी जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि इन दोनों जातियों के बीच इस प्रकार का हिंसा और झड़प देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब हमें न्यूज के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला तब परमेश्वर का वह वचन हमें याद आया जहाँ पर कि यीशु मसीह ने अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में बताते हुए अपने चेलों से कहा था, मत्ती 24:6-8, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 7वें वचन में लिखा है, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करेगा। और आज हम देख रहे हैं मणिपुर के उन दोनों जातियों के बीच किस प्रकार युद्ध और हिंसा बढ़ा कुटी है। देखिए, जाति जाति के बीच और देश विदेशों के बीच में लड़ाइयों की चर्चा तो हम पहले भी सुनते आ रहे थे और आज भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के समय लोगों में प्रेम भाव इतना घट गया है और अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन ब दिन लोगों के बीच किसी भी कारणवश लड़ाइयां और भी ज्यादा अधिक हो रही हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं, मसीहों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सताव किया जा रहा है और आए दिन हम देख रहे हैं भारत में धर्मों के नाम पर लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी बात, आज के समय भूइंडोल जैसे और भी कई सारे प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ही ज्यादा होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम ये अवश्य कह सकते हैं कि हम अंत के दिनों के और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं, इनफैक्ट अंत के दिनों में ही जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि उस समय अंत न होगा वरन ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ मात्र ही होंगी, यानी कि आगे हमें इस प्रकार की और भी ज्यादा भयंकर घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस अंत की घड़ी में आप सांसारिक मोह माया और शारीरिक इच्छा अभिलाषाओं को त्याग कर आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दें और प्रार्थना और वचन में अधिक से अधिक समय बिताएं जिससे कि आप परीक्षा में ना पड़ें। दोस्तों, मेरे साथ आप भी मणिपुर के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस घटना के कारण, इस दंगे के कारण बेघर हो गए हैं, काफ़ी परेशान हैं। प्रभु उन्हें इस मुसीबत से बचाए और साथ ही परमेश्वर वहाँ पर अपनी शांति बनाए रखे
जिससे कि वे दोनों जाति के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और वे सब प्रेम से एक साथ रहें। आमीन।